ये भोजपुरी फिल्म का नाम हमार स्वाभिमान है। इसमें पवन जी जो आपके महान नायक के रूप में जाने जाते हैं जी, वो इसमें मेन लीड में हैं। और इसमें हीरोइन में अंजना सिंह, डिंपल सिंह, राखी मिश्रा और बीना पांडे, और मैं खुद इस फिल्म में रोल किया हूँ पवन जी के बड़े भाई के रूप में। और एक फिल्म बहुत ही एक्शन और संगीत से भरा हुआ ये फिल्म है, जो भोजपुरिया दर्शक और ये पूरे यूपी, बिहार, नेपाल या विदेशों में जो देखने वाले मेरे दर्शक हैं, सबको ये फिल्म बहुत अच्छा लगेगा। और ये फिल्म हम 26 अक्टूबर को छठ के दिन, जो सबसे बड़ा महापर्व है यूपी बिहार के लिए, उसी दिन हम रिलीज कर रहे हैं। क्या है हमारा स्वाभिमान? आपके शब्दों में जानना चाहूंगी, फिल्म की कहानी क्या होगी? हमारा स्वाभिमान जैसे कि सोच कर ही हमें लगता है कि एक्शन थ्रिलर होगा, कुछ पारिवारिक होगा, आपके शब्दों में क्या होगा फिल्म? हमार स्वाभिमान एक पारिवारिक फिल्म है और एक्शन से भरपूर है। और ये इसमें एक सभ्यता, संस्कृति, जो बिहार की मिट्टी के जो खुशबू है, बिहार के जो कल्चर है, इसको हमने पूरा दिखाया है। और ये फिल्म दो परिवार, जमींदारों के बीच की कहानी है। और ज़्यादा तो अभी नहीं बताएंगे इसके, क्योंकि अब पर्दे पे जल्दी आने वाला है। तो एक बहुत ही रोमांचक फिल्म है और बॉक्स ऑफिस पे एक धमाल मचाएगी। कैसा रहा अनुभव पवन सिंह जी के साथ काम करने का? पवन जी के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। और सेट पर एक उनके मैं बड़े भाई के रूप में हमेशा उनका प्यार मिला और हर चीज़ में समझाए हुए, और फिल्म बनाने में उनका पूरा हाथ रहा। और बहुत ही दिल के नेक का आदमी है, इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। और कहा जाता है कि पवन सिंह का एक डायलॉग है कि बेटा मूड बनने में तो टाइम लगता है। सही में वो सही है। और आज भी हमारा पूरा उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा है और आगे भी इनके साथ हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। म्यूजिक के बारे में जानना चाहूंगी, जैसे कि पवन जी खुद ही एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनकी आवाज के करोड़ों दीवाने हैं, क्या उनके गाने भी होंगे फिल्म में? म्यूजिक को लेकर कुछ बताइए, और कितने गाने होंगे? इस फिल्म में टोटल 8 गाने हैं, जिसमें एक तीज का गाना है जो पवन जी की आवाज़ में नहीं है, बाकी 7 गाने इनके आवाज़ में हैं। और इसमें म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा, छोटे रावत और संगम जी हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा सजाया परोया है इस फिल्म को, और इतने अच्छे म्यूजिक और इतने अच्छे गाना, स्वीट वॉइस है। जैसे ही मार्केट में गाना बजेगा, तोता तोता, चिट्ठी का जमाना, ये सब जो गाने हैं इसके, तो ये बहुत अच्छा धमाल। और इनमें जो फिल्माया गया, जो फिल्म, जो हमारी अंजना जी हैं और डिम्पल जी, इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने काम किया और बहुत अच्छी ये वीडियो बना है और जल्दी बॉक्स ऑफिस पे आ जाएगी। अंजना जी के बारे में जानना चाहूंगी, उनके साथ अपने फिल्म की कैसा अनुभव उनके साथ काम करने का रहा है? अंजना जी को मैं यही बोलूँगा कि बहुत अच्छे नेचर की हैं और बहुत हमारा सपोर्ट किए इस फिल्म के लिए, और समझाए भी, क्योंकि मैं इस फिल्म में नया था। मुझे इंडस्ट्री में आए हुए अभी 2 साल हुए हैं, एक मैं NRI के नाते, तो उन्होंने हर जगह पे मुझे साथ दिया, अच्छे रोल निभाए, और बहुत अच्छा बॉन्डिंग उनके साथ रहा और आज भी हमेशा है, और बहुत अच्छे नेचर की हैं। बहुत कम होता है कि कोई NRI आकर भोजपुरी फिल्म बनाता है, बहुत सारे NRI आते हैं जो बॉलीवुड और बाकी लैंग्वेजेस में फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन आपने भोजपुरी में बनाया, कोई खास वजह? देखिए, पहले तो मैं भले ही मैं NRI हूँ, विदेश से हूँ, लेकिन मेरा जन्म बिहार में हुआ है, गया डिस्ट्रिक्ट में। और मैं बिहार के सभ्यता, संस्कृति से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और बिहार के गौरव को मैं हमेशा विदेशों में भी करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और सम्मान दिलाने के लिए हमेशा वहाँ पर तत्पर रहता हूँ। तो ये मेरा शुरू से सोच था कि जो भी मैं बनाऊँ तो पहले भोजपुरी। और जो पवन सिंह के गाने, तो आपको पता ही है, लॉलीपॉप वहाँ पर पहले से ही था, तो मैं सुना करता था NRI के नाते, थोड़ा थोड़ा, जब पार्टी वगैरह, डिस्को वगैरह जो बजते थे, तो हमने वहीं से ख्याल आया कि चलिए पवन जी के साथ एक पिक्चर स्टार्ट किया जाए, और यहीं से मेरा इस लाइन में आया मैं। कैसी मुलाकात रही थी पवन जी के साथ आपकी, पहली मुलाकात कैसी रही थी? पहली मुलाकात उनसे बहुत अच्छा रहा। मैं जौनपुर में मिला, मेरा भारत महान के सेट पर, और फर्स्ट जब से ही मिला बहुत दोनों गले लगे, और उसी दिन से काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग रहा। और एक बड़े भाई के नाते आज भी हूँ, बहुत हमको सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, और समझाते हैं भैया ऐसा, भैया वैसा, तो मैं उनका हमेशा इज्जत करूँगा और आगे भी हमेशा उनके साथ काम करने के लिए मैं हमेशा सोचूँगा। और कौन कौन से स्टार कास्ट, डायरेक्टर वगैरह, बाकी टीम के बारे में क्या कहेंगे? इस टीम में हमारे जो डायरेक्टर हैं चंद्रभूषण मणि जी, जो 75 साल के हैं, इन्होंने एक प्यारी चांदनी बनाई और पहले भी फिल्म बनाई इन्होंने, बहुत बुजुर्ग हैं लेकिन टैलेंट इंसान है, बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान हैं। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर धनंजय तिवारी जी हैं, जोगिंदर सिंह जी हैं,
और डीओपी देवेंद्र बाबा हैं, और म्यूजिक में छोटे रावत, छोटे बाबा और संगम जी हैं, और कोरियोग्राफर में गुप्ता जी हैं, और बाकी तो हीरोइन सब जो आपको बता ही दिया। तो ये बहुत ही अच्छा सजाया गया, और ये फिल्म में हमने प्रतापगढ़, बनारस और मुंबई में शूट किया, और अच्छे अच्छे लोकेशनों में हमने इसको फिल्माया है, और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों का खूब प्यार मिले इस फिल्म को। एक पारिवारिक फिल्म है। मैं माता बहनों भाइयों से सबसे विनती करता हूँ कि बिना सोच हिचक के आएँ अपने सिनेमाघरों में और इसको देखें, कोई इसमें बल्गर नहीं है, और हमेशा ही मैं सही पिक्चर बनाने की कोशिश करूँगा। कब तक रिलीज होने के प्लान हैं? ये रिलीज 26 यानी 26 अक्टूबर को महापर छठ पूजा के अवसर पर हिंदुस्तान के सभी कोने कोने में ये रिलीज होगा, और यूपी बिहार तो खासकर रिलीज हमें सब सिनेमाघर मिल चुके हैं, और इसके डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं प्रवीण जी हैं, और इस फिल्म को ख़रीदा है टीएफ टीम फिल्म ने, जो उन्होंने काफ़ी साथ दिया हमको इस फिल्म को बनाने में भी, और आज भी है, और बहुत अच्छी कंपनी है। और दूसरी जो हम इसको विदेशों में भी लॉन्च करेंगे, वो करेंगे आपके दिवाली बाद, वो यूरोप के सिनेमाघरों में, मॉरीशस, सूरीनाम वगैरह में भी हम लोग रिलीज कर रहे हैं, और यूरोप के हॉल कुछ बुक हो चुके हैं, मेरी बात हो चुकी है जी जी। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि पहली बार भोजपुरी फिल्म को ये विदेशों में रिलीज हो रहा है। तो ये सभ्यता संस्कृति, खासकर जो हमारे भोजपुरी और हिंदुस्तान के जो कल्चर है, जो फिल्मों में शादी ब्याह जो भी हो, माँ बाप जो ऐसे होता है, बहन, वो हम विदेशों में दिखाएंगे वहाँ के लोगों को कि देखिए हमारी कल्चर क्या है। और कोई फिल्म की प्लानिंग चल रही है? ये तो फिल्म आपकी रिलीज हो जाएगी, उसके बाद भी कोई प्लानिंग चल रही है फिल्मों को लेकर? जी हाँ, फिल्म की प्लानिंग अभी जस्ट 5 दिन पहले हमने शूटिंग ख़त्म किया है, गैंगस्टर इन बिहार। इसमें रानी चटर्जी हीरोइन थी, प्रमोद प्रेमी जी थे, प्रवेश लाल यादव जी थे, उसमें भी मैं भी किरदार में मुखिया का ही रोल किया हूँ, उनके बड़े भाई बना हूँ प्रमोद प्रेमी जी का। और इसमें राखी मिश्रा हैं, श्रेया जी हैं, और भी कई कलाकार, मंटू सिंह विलन है, संजय पांडे जी हैं मेन विलन में। तो एक बहुत अच्छा एक्शन मूवी भी जस्ट शूट करके आया हूँ, और अब जब मैं भी अब तो विदेश चला जाऊँगा कुछ दिन बाद, तो मैं जनवरी में आऊँगा, तो एक नेक्स्ट प्लानिंग फिर एक फिल्म करूँगा। तो ये फिल्म कब तक आप रिलीज करेंगे, जो उस फिल्म की शूटिंग आप करेंगे? ये हम 28 मार्च को हमने डेट बुक कर दिया है, 28 मार्च को नवरात्रि जो आता है, जो अप्रैल का महीना जो फर्स्ट वीक होता है, उसी में इसको हम रिलीज करेंगे, क्योंकि फिल्म में पहला जो सीन है वो दुर्गा माता से है, तो हम चाहेंगे कि ये शुभ अवसर पर जरूर इसको रिलीज करें। जी हाँ, मैं अपने फैंस को, अपने भोजपुरी समाज और सभी माता बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये फिल्म एक बार सिनेमाघर में ज़रूर आए, बिना द्वेष और किसी तरह से। ये पारिवारिक फिल्म है, कोई बल्गर नहीं है, और इसका खूब सारा प्यार दें हमारे स्वाभिमान को, और ज़रूर आए हॉल में बिना हिचक के, और खूब सारा इसको फिल्म को एक कामयाब बनाने के लिए हमको और हाथ से मजबूत करें, ताकि मैं आगे भी फिल्म बनाऊँ। धन्यवाद जी। एक सवाल और है कि क्या पवन जी के साथ और भी कोई बैक टू बैक और कोई फिल्में करने वाले हैं इसके बाद? जी हाँ, पवन जी के साथ मैं फरवरी में एक पिक्चर करूँगा, टाइटल कुछ भी हो, वैसे तो बात हो चुकी है, और मैं पवन जी से भी 4 तारीख को दिल्ली में मिल रहा हूँ, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मेरी बात होगी, और मैं चाहूँगा कि पवन जी के साथ पिक्चर जरूर बनाऊँ। थैंक यू सो मच हमसे बात। थैंक यू, और थैंक यू।